आदाब नमस्कार गुड इवनिंग, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद यही है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की कहानी टीज़र आपने देखी बहुत सारे लोगों ने, और बहुत दिनों से कई लोग इस पे कह भी रहे थे, और इस कहानी से भी मैं जुड़ा हुआ रहा क्योंकि इस कहानी में कई चीज़ें एक साथ हुई। कॉमेडी भी है इसमें, सीरियसनेस भी है इसमें, ट्रेजडी भी है। और 2008 में कहते हैं कि मतलब इससे बड़ी लव स्टोरी या इससे बड़ा ड्रामा, इससे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, इससे बड़ी कॉमेडी शायद कोई और कहानी नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत ही बड़ी अजीब होती है, और शुरुआत हालांकि एक लव स्टोरी आगे चलकर पता चली, लेकिन इसकी शुरुआत होती है क्राइम थ्रिलर की तरह, और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें हम लोग इन्वॉल्व थे। नवंबर का आखिरी हफ्ता था 2008, और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे चंद्र मोहन, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अपने ज़माने में, जिनका एक कद था भजन लाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे थे चंद्र प्रकाश, और सरकार में नंबर दो हरियाणा सरकार में, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर और चंद्र मोहन डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो नवंबर का वो आखिरी हफ्ता था शायद, और अचानक खबर आती है चंडीगढ़ से, ब्यूरो से, कि चंद्र मोहन गायब हो गए, मतलब हरियाणा के डिप्टी सीएम गायब हैं। अब उनकी खोज शुरू होती है, जब हम लोगों को पता चलता है तो फिर उसमें बहुत सारे एंगल, अलग अलग थ्योरी, कहानी आ रही है, ये हो गया कहीं किडनैप नहीं हो गए, कहीं कुछ और नहीं हो गया, तो जितनी तरह की चीज़ें थी वो सब। और चूँकि आपको हर एक क्राइम रिपोर्टिंग में ये बेसिक सिखाया जाता है कि आपको अपने कान आँख सब खुले रखने होते हैं, और हर उस पॉसिबिलिटी की तरफ देखना पड़ता है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है। तो खबर हालांकि पॉलिटिकल, लेकिन अब मिसिंग है तो क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम रिपोर्टर की झोली में खबर आई कि इसमें ढूंढो, पता करो क्या है। तो हम लोग अपनी सारी टीम, जो चंडीगढ़ के ब्यूरो की टीम है, वो सारे लगे पता करना शुरू किया आखिरी बार क्या हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन दिन बीतते गए और चंद्र प्रकाश की, चंद्र मोहन की कोई खबर नहीं मिल रही थी। सरकार भी परेशान, घर वाले भी परेशान, और लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं, टीवी पे खबरें आ रही हैं, और किसी भी एक स्टेट का डिप्टी सीएम अगर गायब हो जाए इस तरीके से, तो ये अपने आप में खबर थी। तो ये खबर आ ही रही थी सब कुछ कि अचानक दिसंबर में एक दिन चंद्र मोहन, हरियाणा के डिप्टी सीएम, एक महिला के साथ बाकायदा सामने आते हैं, और पूरी मीडिया थी, और उस भरी मीडिया में वो ऐलान करते हैं कि वो कहीं किडनैप नहीं हुए, कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि इस गुमशुदगी के पीछे की जो वजह थी वो प्यार मोहब्बत। और सबसे जो अजीब चीज़ आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जब ऐलान किया कि मैं अब चंद्र मोहन नहीं रहा, मेरा नाम चांद हो गया है, और जो उनके साथ में थी वो उसी हरियाणा सरकार की असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वहाँ मतलब एक वकील थी लेकिन सरकारी पद पर थी, तो आप इसको सरकारी वकील भी समझें। तो हरियाणा सरकार की सरकारी वकील, जिनका नाम था अनुराधा बाली, और वो भी गायब थी, लेकिन उस वक्त तक किसी का ध्यान गया नहीं था अनुराधा बाली की तरफ, सिर्फ चूँकि डिप्टी सीएम थे तो उनकी तलाश थी, उनको ढूंढा जा रहा था। और ये दोनों अचानक खुद ही सामने आते हैं मीडिया के सामने, और कैमरे पे ऐलान करते हैं कि अब मैं चांद मोहम्मद हूँ, चंद्र मोहन नहीं, और अनुराधा बाली जो हैं वो फिज़ा हैं, और हम दोनों ने एक शादी कर ली है। अब चूँकि दोनों हिंदू थे और ऑलरेडी चंद्र मोहन की शादी हुई थी, उनके दो बच्चे भी थे, तो उनकी पत्नी सीमा बिश्नोई, तो उन्होंने बताया कि इसीलिए उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया है। और 2 दिसंबर 2008 को चंडीगढ़ के ही एक मस्जिद में, जो उन्होंने बताया था, वहाँ पे इन्होंने निकाह किया, और बाकायदा
5 लाख की मेहर रकम तय हुई, जो एक निकाह का वो होता है कि अगर आप कभी एक दूसरे से अलग होते हैं तो आपको ये रकम देनी पड़ती है। तो 5 लाख मेहर के हिसाब से निकाह दोनों ने तय की थी। अब इनके इस खुलासे से अचानक हड़कम मच जाता है, इसके बाद ही शुरू होती है 2008 की सबसे बड़ी लव स्टोरी, सबसे बड़ी सारी चीज़ें। अब एक डिप्टी CM अचानक गायब होना, फिर सामने आना, फिर आशिकी, शादी की बात, तो जाहिर सी बात है सारे मसाला इसमें, तो ये खबर भी बनती है। उधर इस खबर को सुनकर भजन लाल की फैमिली में बड़ा गुस्सा आता है और वो इस शादी को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी घर में एक बहू और 2 बच्चे थे। और इस गुस्से के बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो CM थे, वो चंद्र मोहन उर्फ चांद मोहम्मद को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के पद से, यानी डिप्टी CM के पद से बर्खास्त कर देते हैं। उसके बाद फिर वो मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मोहब्बत के लिए ऐसी कई कुर्सियां ठुकरा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको और बड़ा कर देती हैं मीडिया में, और हाईलाइट कि देखो एक शख्स यहाँ लोग कुर्सियों के लिए जान देते हैं, लड़ते हैं, और ये मोहब्बत में तख्त व ताज ठुकरा रहा है। तो एक अजीब सी अलग सी इमेज बनी है कि ऐसा भी पॉलिटिशियन होता है जिसे इतनी बड़ी कुर्सी और इन सब चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है तो उसको अपनी फिज़ा से। तो लगा कि वाकई एक अजीब मिसाल है इस दौर में भी। उसके बाद धीरे धीरे खैर वक्त बीतता है और चांद मोहम्मद और फिज़ा चंडीगढ़ के ही सेक्टर 44C में एक घर में रहने लगते हैं, लेकिन शायद शादी जल्दबाजी में थी या इश्क जल्दबाजी में थी या जवानी की नज़र लगी, पता नहीं। 40 दिन से ज़्यादा इनकी ये शादीशुदा ज़िंदगी टिकती नहीं है और 40 दिन के बाद ही एक दिन अचानक चांद मोहम्मद अपने घर से सुबह निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये दूसरी बार गायब हुए, पहली बार तब जब ये डिप्टी CM थे और जब वापस लौटे तो अपनी फिज़ा के साथ लौटे। अब शादी के लगभग 40 दिन हो गए, उसके बाद फिर ये गायब, और गायब होने के बाद कुछ पता नहीं। वो गायब होते हैं, उसके कुछ ही घंटे के बाद फिज़ा जो है वो फ़ौरन मीडिया को बुलाती है। अच्छा, मीडिया का अटेंशन पूरा था क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी की कहानी ऐसी थी जिसमें सब कुछ था। तो वो एक बयान देती हैं और बड़ा उससे सनसनी मच जाता है। उनका कहना था कि उनके शौहर मानी चांद मोहम्मद उर्फ चंद्र मोहन को उनके भाई जो है वो उठा कर ले गए हैं, किडनैप करके ज़बरदस्ती ले गए हैं। और ये इल्ज़ाम लगाती हैं वो चंद्र मोहन के भाई कुलदीप बिश्नोई पर। अब चूंकि मामला बड़ा संगीन था, कुलदीप बिश्नोई को भी सामने आना पड़ता, सफाई देनी पड़ती है कि जब से चांद मोहम्मद ने या चंद्र मोहन ने शादी की है, रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया, उससे कोई लेना देना नहीं और उसको नहीं जानते, ना मिले हैं। और इस बीच में फिर पुलिस भी ढूंढती रहती है क्योंकि रिपोर्ट लिखाई गई थी कि ज़बरदस्ती उनको उठा कर ले जाया गया और वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहें। तो अभी खोज खबर दोबारा शुरू हुई, इल्ज़ाम का दौर चला। इसी बीच में आज तक ने कोशिश की और हम तमाम लोगों ने कि किसी तरह से चंद्र मोहन उस चांद नवाब चांद मोहम्मद को ढूंढा जाए। ये चांद नवाब, देखिए नाम आ गया मुझे, वो बदरंगी भाईजान और पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो बोलते वक्त बहुत ज़्यादा टेक लेते हैं, तो इसलिए पॉपुलर हुए थे चांद नवाब, लेकिन यहाँ चांद मोहम्मद की बात हो रही है। तो ढूंढना शुरू किया, कुछ नंबर थे हम लोगों के पास, लगातार ट्राई करते रहे और नसीब अच्छा था कि एक दिन फ़ोन मिल गया। और उसके बाद फिर खुद चांद मोहम्मद उस चंद्र मोहन ने आज तक पे कहा पहली बार आकर कि मैं कहीं गायब नहीं हुआ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर निकला हूँ और फिज़ा को छोड़कर निकला हूँ और मैं वापस लौट आऊँगा अपने आप। तो इससे फिर सुकून मिला, पुलिस ने भी फिज़ा को समझाया कि वो कहीं किडनैप नहीं हुए, आप तसल्ली रखो। और इसके बाद फिर एक दिन अचानक राजघाट पे ही टहलते हुए चंद्र मोहन को पुलिस मिली और चूंकि उस वक्त तक मीडिया में सारी चीज़ें थी तो उनको उठाकर फिर दरियागंज थाने ले जाया गया। दरियागंज थाने में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप वापस चला जाऊंगा अपने घर। तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया और वो वापस पहुंच गया। अब इसके बाद से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। वापस जाने के बाद वो अपने घर जाते हैं, मतलब अपने पिता अपनी पत्नी के पास जिनके 2 बच्चे थे, फिज़ा के पास नहीं जो दूसरी पत्नी थी।
और उसके बाद एक दिन अचानक वो एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज पे 3 तलाक के ज़रिए उनको खबर देते हैं चंद्रमोहन कि अब हमारी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चलेगी और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब चूंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से निकाह हुआ था तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से तलाक का भी तरीका शायद बताया था लोगों ने, तो वो तलाक भेज देते हैं। लेकिन फिज़ा इस बात को नहीं मानती है और वो कहती हैं कि दबाव में हैं और ये सारी फैमिली नहीं चाहती कि साथ रहे, और इसीलिए वो लगातार फिर अपनी लड़ाई लड़ती हैं मीडिया के सामने, डेली बयान। फिर अब जो तस्वीरें 40 दिन पहले की थी कि एक पॉलिटिशियन, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसने अपनी कुर्सी ठुकरा दी मोहब्बत के लिए और दोनों के साथ में गले लगते हुए तस्वीरें, घूमते हुए तस्वीरें, हनीमून मनाने की तस्वीरें, अब एक दूसरी तस्वीर 40 दिन बाद आती है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का और सारी चीज़ें और रोना धोना, मतलब हर चीज़ में फिर वो फौरन मीडिया को ज़रूर बुला लेती थी। और ये मामला चला, फिर बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट में भी गईं, और लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो केस वापस लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये कहानी ठंडी पड़ती जाती है, जो पहले मोहब्बत थी उसके बाद फिर दोनों अलग हुए और वो वहीं रहती हैं अपने घर में जहाँ पे शुरू में चंद्र मोहन उर्फ चांद मोहम्मद मिलने आया करते थे और साथ रहे शादी के बाद 40 दिन, तो चंडीगढ़ के उसी सेक्टर 44C में। लेकिन चंद्र मोहन वापस अपने परिवार में लौट जाते हैं, भजन लाल के घर लौट जाते हैं, अपनी पत्नी के पास लौट जाते हैं, बच्चों के पास लौट जाते हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। फिर इसी बीच में एक और ख़बर आती है, फिज़ा ऐलान करती हैं कि वो राजनीति में आएंगी और जहां से भी चंद्र मोहन चुनाव लड़ेंगे सिर्फ वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये मौका मिलता नहीं है। 8 में मोहब्बत की कहानी थी, दिसंबर में शादी हुई थी, 9 के शुरुआत में दोनों अलग हो गए, 10 और 11 का साल आता है, बीत जाता है, इसके बाद फिर 2012 आता है। अब दोनों के रिश्तों में बहुत कड़वाहट थी, दोनों अलग हो चुके थे और चंद्रमोहन का कहना था कानूनी तौर पर वो तलाक भी दे चुके हैं इस्लामिक तरीके से। और फिर धीरे धीरे शायद ये भी है कि इन दोनों में एक समझौता हो जाता है और वो बात वहीं ख़त्म की जाती है और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। अब लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, दो अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन तभी 6 अगस्त 2012 सतपाल, एक फिज़ा के या अनुराधा बाली के हैं अब उनके एक चाचा, वो सेक्टर 44 चंडीगढ़ के उनके घर पे पहुंचते हैं और वो उनके पहुंचने की वजह ये थी कि 1 अगस्त को मतलब 6 अगस्त से 5 दिन पहले फिज़ा ने या अनुराधा ने फ़ोन किया था अपने चाचा को, सतपाल से बात की थी, सब कुछ नॉर्मल बातचीत थी, वो खुश थी, सब ठीक ठाक था। इसके बाद लेकिन वो फ़ोन 5 दिन से फ़ोन नहीं की और फिज़ा उस घर में अकेली रहती थी, सिर्फ मेट कभी कभी आता जाता था, परमानेंट नहीं था। तो 5 दिन से फ़ोन नहीं आया और इधर सतपाल जो उनके चाचा हैं उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था तो उनको कुछ, और वही चाचा एक थे जो अक्सर आते जाते थे और किसी से मिलना जुलना था नहीं, तो परेशान होकर चाचा 6 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचते हैं फिज़ा के घर पर। जब वो जाते हैं तो देखते हैं मेन गेट का जो ताला है वो अंदर की तरफ से लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है लेकिन ताला बंद नहीं है, ताला खुला हुआ था, लटका हुआ था सिर्फ, बट अंदर की तरफ से। तो वो ताला को हटाते हैं और अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो अंदर का जो ताला था रूम का वो बंद था अंदर से। अब वो अंदर से बंद था, इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो बहुत आवाज़ देते हैं, सब कुछ देते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, किसी को कोई पता नहीं। उसके बाद ये पुलिस को फ़ोन करते हैं, 100 नंबर पर पुलिस आती है, पुलिस आवाज़ देती है। जब कोई चारा नहीं मिलता तो फिर इनके चाचा के कहने पर उन्हें कुछ डाउट होता है, दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया जाता है। इसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है या तोड़ा जाता है अंदर से बहुत तेज़ बदबू आती है और बेडरूम में बेड पर अनुराधा यानी फिज़ा की लाश पड़ी हुई थी और बिल्कुल इस हालत में जैसे कि वो सो रही है।
सारे सामान वहाँ पे अपनी जगह, कहीं से कोई सामान इधर से उधर नहीं। बेड के पास एक टेबल जिस पे शराब की बोतल, जिसमें से कुछ पी जा चुकी थी, ग्लास, और लाश की बदबू। और लाश को देखकर पहली नज़र में ये लग गया था कि ये कम से कम 4-5 दिन पहले मौत हुई है, क्योंकि लाश की हालत बहुत बुरी थी। अगस्त का महीना था, उमस और गर्मी वैसी ही थी, और 4-5 दिन पुरानी लाश थी वो। फौरन पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब अचानक फिर से खबर आती है, अब फिज़ा चुकी, चांद की फिज़ा, तो फिर रिश्ते ख़राब, सारी चीज़ें, अब हर तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, तो अब उसमें तीन चीज़ें उस वक्त आईं। एक, कि फिज़ा ने ख़ुदकुशी की। दो, कि ये नेचुरल मौत है। तीन, कि ये कत्ल है, यानी मर्डर है। और इन तीनों एंगल से पुलिस ने जब पूछताछ की, सारी इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि बहुत लंबे वक्त से चंद्रमोहन या चांद जो मोहम्मद है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई बातचीत कुछ नहीं थी, ना वो कभी इधर आए। और उनके जो आसपास के लोग थे, इवन जो भाई, वो भी नहीं। तो पुलिस सारी चीज़ें करके उसके बाद मामले की जांच कर रही थी। विसरा फिर रिपोर्ट भेजी गई कि उससे पता चले मौत की वजह क्या है। इस दौरान में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस लगातार छानबीन करने के बाद फिर जब कुछ 2-3 दिनों बाद उस घर की पूरी पर तलाशी ली गई, तो अचानक पुलिस को वहाँ से बहुत सारे पैसे मिले। करीब 92 लाख कैश में थे, 92 लाख रुपए कैश, 1.5 किलो के करीब सोने के जेवर और 1 किलो का चांदी का जेवर, जिसकी कीमत सब करोड़ों में थी। अब सवाल ये था कि फिज़ा कोई काम नहीं करती थी, फिज़ा की अपनी फैमिली से दूरी थी, फिज़ा के पास पहले से कोई बहुत पैसे नहीं थे। तो अब यहाँ पे फिर वो इनकम टैक्स और वो भी कूदी बीच में कि भैया इतने पैसे कहाँ से आए। और उसमें से जो पैसे मिले थे, उसमें से कई नोट के बंडल में से अलग अलग पर्चियाँ थी, जिसमें कुछ फ़ोन नंबर भी थे। तो अब ये मामला एकदम दूसरा हो गया कि ये कहीं इलीगल तरीके से पैसे कमाए, फिज़ा किसी दूसरे काम में लग गई थी, क्या थी वजह। तो पुलिस उस पहलू से भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी। फिर इस दौरान आखिर में जब फिज़ा के मोबाइल कॉल डिटेल, मोबाइल जो निकाला गया, खंगाला गया, तो जब उसके मैसेज और व्हाट्सएप बॉक्स में गया और पुलिस ने जांच की, तो उस वक्त एक लाइन आई थी, कुछ किसी एक अखबार की हेडलाइन थी, मुझे आज भी याद है, कि फिज़ा के मोबाइल से निकले कई और चांद मोहम्मद, मोहम्मद नहीं बल्कि फिज़ा के मोबाइल से निकले कई और चांद। तो अंदर में कहानी कुछ ये थी, और बल्कि जो चीज़ें थी पुलिस ने उसमें उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन किया था, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे व्हाट्सएप और उसके, जिसमें बड़े करीबी बातें लिखी हुई थी। कई बड़े बड़े लोग थे, रसूख वाले लोग थे, अलग अलग फील्ड के, और उनके साथ वो चैटिंग किया करती थी किस, तो वो सारी बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें थी। तो ये था कि पता नहीं और भी कितने दीवाने हैं फिज़ा के। तो फिर पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारी चीज़ें देखी, कई लोगों से पूछताछ भी की। वक्त बीतता गया, अगस्त के बाद सितंबर का महीना आया, सितंबर में विसरा की रिपोर्ट आ गई, और तीन जो लोग हैं, तीन डॉक्टरों के एक पैनल ने इसकी जांच की थी, विसरा की। और उस रिपोर्ट में ये पता चला कि ये फिज़ा की जो मौत है, ये मर्डर नहीं है और ये नेचुरल डेथ भी नहीं है, ये सुसाइड है। और उस तक पहुंचने की वजह ये रही कि जो जिस जगह पे फॉरेंसिक लैब में विसरा की जांच की गई थी, ये मोहाली की खरड़ केमिकल लैब है, वहाँ पे ये FSL का है, गवर्नमेंट का, तो उसमें पता चला कि इसमें अल्मोनियम फॉस्फाइड मिला था, जिसको आम तौर पर सल्फास के नाम पर बाज़ार में बेचा जाता है, और ये चूहे मारने वाली दवा या कीटनाशक दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये खाई थी फिज़ा ने, और इसकी शीशी भी वहाँ पे मिली थी उस रूम से। तो जब ये तीन अलग अलग डॉक्टरों के पैनल ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी फिज़ा की, तो इसके बाद सितंबर में, मौत के करीब 1-1.5 महीने के बाद, पुलिस ने, और फिर चूँकि पूरा जो इंसिडेंट था, सीन ऑफ क्राइम,
गेट का दरवाज़ा बाहर से बंद था अंदर की तरफ से, लेकिन ताला उसमें खुला हुआ था, बेशक लटका हुआ था, लेकिन बेडरूम और बाकी अंदर का दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था और कोई फोर्स फुल एंट्री नहीं थी कहीं का, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई अंदर से बंद करके बाहर जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें भी जाँच की गई, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। और ये कि ये जो विस्तरा में जो निकला, तो ये था कि इसको जो है अल्कोहल के साथ लिया गया और ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, तो ये मौत की वजह बनी। और पुलिस ने इस मामले को, फिज़ा की मौत को, सुसाइड करार देकर डिक्लेयर करते हुए इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इस तरीके से एक लव स्टोरी जो 2008 में शुरू हुई, जिसकी पूरी मियाद 40 दिन की थी लगभग, बहुत थोड़े से वक्त की इसको कह सकते हैं कि एक छोटी सी लव स्टोरी, लेकिन जिसमें बहुत सारे मोड़ आए, सब कुछ इसमें हुआ, एक नेता, सत्ता, ताकत, दौलत, मोहब्बत, फिर तलाक, फिर रिश्ते में कड़वाहट और आखिर में मौत। और जो फिज़ा, फिज़ा उर्दू का शब्द है, इसके मतलब हवा है, है ना, ज़रा ज़रा सी बात पे जो मीडिया को फौरन बुला लिया करती थी और मीडिया में सारी उस वक्त हर चीज़ें चलती थी इन दोनों की लड़ाई को लेकर, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट था, ख़ासतौर पे मीडिया का, क्योंकि इसमें तमाम मसाले थे। अफसोस की बात यह है कि उसी फिज़ा की मौत ऐसी खामोशी से हुई, ऐसी गुमनामी में हुई कि मौत के 5 दिन तक इस दुनिया को पता ही नहीं था कि फिज़ा मर चुकी है। और फिज़ा की मौत की गवाही किसने दी? उस बदबू ने जो लाश से आ रही थी, जो हवा में घुली और लोगों तक पहुंची, और चाचा को शक हुआ। और इससे पहले जब चाचा आए थे तो एक पड़ोसी ने भी शिकायत की थी कि कुछ स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो एक छोटी सी लव स्टोरी और एक अफसोसनाक मौत, और साथ में वो जो सारे पैसे थे, इतनी सारी चीज़ें मिली, उसका राज कभी नहीं खुला। आज मतलब 12 की बात है, ये 19 से 7 साल हो गए कि इतनी सारी दौलत, इसका ज़रिया क्या था, कहाँ से आया। लेकिन बाद में जो पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड बताती थी वो यही थी कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिनकी दोस्ती थी, और शायद उन लोगों के ज़रिए ये पैसे पहुँचे थे घर तक, जो करोड़ों में थे। तो कैश 92 लाख था, बाकी जेवर और वो, इसके अलावा कुछ लॉकर भी मिले थे, कुछ और प्रॉपर्टी भी मिली, लेकिन वो सारी चीज़ें यही रह गई। फिज़ा अब इस दुनिया में नहीं है, चांद मोहम्मद, बल्कि अब चंद्र मोहन, वापस चांद मोहम्मद से वो वापस चंद्र मोहन हो चुके हैं। वो अपने परिवार के साथ हैं, हरियाणा में हैं, उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनके साथ रह रहे हैं। ये है पूरी कहानी चांद और फिज़ा की। और इस पर उस वक्त बड़े मतलब बहुत सारे शोज़ बने थे, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, और मुझे 2 बार मौका मिला था उस वक्त जब ये स्टोरी चल रही थी, चंद्र मोहन और फिज़ा से मिलने का, उनसे बात करने का, शो बनाने के लिए बाकायदा इंटरव्यू करने का। और मुझे याद है कि जब दूसरी बार मैं मिला था तो मुझे ये पता चला था कि फिज़ा को गाने और लिरिक्स बड़े याद रहते हैं और बड़े शौक़ है, तो कुछ शेर व शायरी भी की थी अपनी मोहब्बत पर। वो हसीन दौर था और अच्छा वक्त था, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो वो यादें अभी भी हैं मेरे जहन में उन दोनों से मुलाकात की। लेकिन जब 6 अगस्त को जो लाश की तस्वीरें देखी थी, उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ था। वो शायद आप में से बहुत सारे लोग देख भी ना पाए जिस हालत में थी, पर मैंने वो लाश देखी थी, बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि इस तरीके का अंजाम और ऐसी मौत और इस तरह के रिश्ते में सारी चीज़ें, पता नहीं कौन गलत कौन सही। लेकिन एक अजीब सी कहानी थी जिसकी शुरुआत बड़ी हंसी खुशी हुई थी और जिसका अंजाम बहुत दुख के साथ हुआ। आसिम से कहूँगा आप कुछ सवाल, आज मैं नोट करना भूल गया क्योंकि बहुत सारा काम था, तो मैं आप लोगों के मेल तो आए लेकिन कल लेकर आऊँगा। सर जॉनी वॉकर करके अकाउंट है, ये बोलना कि सर नोट की गड्डी के साथ जो नंबर मिले थे उससे पुलिस कहाँ तक पहुँची? जो नंबर थे, जो व्हाट्सएप थे, जिनसे बातें होती थी, उन सबको पुलिस ने पूछताछ की। वो सारे बड़े लोग थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन थे, कुछ दूसरे फील्ड के थे, लेकिन उन सब का
फिज़ा की मौत से कोई रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ और फिज़ा की मौत को पुलिस ने कत्ल चुके माना ही नहीं और सुसाइड नोट भी नहीं था। और सबसे बड़ी एक गवाही जो इसमें काम आई सुसाइड में, वो जो उनके चाचा सतपाल, उनका ये कहना था कि 1 अगस्त को आखिरी बार बात हुई थी और तब फिज़ा बहुत खुश थी और उसको कुछ नहीं था और ऐसा नहीं लगता था कि वो कुछ ऐसा करेगी। लेकिन जिस तरीके से अल्कोहल वहाँ पे मिला और जिस तरीके से सल्फास, तो उसके बाद और ये 1 अगस्त को जो बातचीत हुई है, पुलिस मान के चल रही है कि फिज़ा की मौत 1 और 2 के बीच में ही हुई है। और जिस तरीके से बेड पे लाश थी, उसका जो मुआयना किया गया, वो एकदम इस हालत में था कि जैसे वो सोने गई और सो रही है और उसी हालत में मौत हो गई। तो पुलिस के पास इसको मर्डर मानने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जितने लोगों के नंबर थे और बाकी सारी चीज़ें थी, उनसे उनके कोई ये लिंक साबित नहीं हुआ कि इनकी इस मौत के पीछे कोई वजह है। हाँ, ये पैसे क्यों दिए, क्या थे, वो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको पब्लिक में आम नहीं किया गया, क्योंकि वो जांच का एक दूसरा पार्ट था। सर, एक सफ़रनामा करके अकाउंट है, वो बोल रहे हैं कि सर उन पैसों का क्या हुआ जो उस फ्लैट से मिले थे, क्या पुलिस ने उसे जब्त कर लिया सरकार ने जो, या उनके परिवार को दे दिया है? जो बेनाम, मतलब इस तरीके की थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिस तरह के जेवर थे गोल्ड के, ये इनकम टैक्स वाले ले गए थे और उस वक्त यही थे कि वो सारी जाँच कर रहे थे और उसके बाद, लेकिन ये चीज़ की आगे उनका क्या हुआ, वो पैसे फैमिली को मिले नहीं मिले, क्योंकि फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे फिज़ा के, और कोई वसीयत और विल भी नहीं था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ इसके बारे में मुझे भी मतलब अपडेट नहीं हूँ मैं। सर, स्वप्निल बंसल हैं, बोल रहे हैं क्या हम कह सकते हैं कि फिज़ा पैसों के लिए लोगों को फंसाती थी? स्वप्निल जी, चूँकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है और पुलिस ने ऑफिशियली कभी कुछ कहा नहीं, और एक इंसान जो इस दुनिया में है नहीं, तो बिना सबूत बिना प्रूफ के अगर मैं इस बारे में ऐसा कुछ कहूं, तो ये शायद इंसानियत के नाते भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई क्या थी, चूँकि इसमें एक दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये लॉ एंड ऑर्डर से और बाकी चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ है, और मौत अगर ये मर्डर होता या कत्ल होता तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती। पुलिस ने चूँकि इसको एक सुसाइड बता कर केस को क्लोज कर दिया है, तो फिर अब बाकी चीज़ें कौन कैसे क्या थे उसके बारे में कोई पुख्ता तौर पर कुछ नहीं है। और पुलिस ने कहा कि वो उसके दूसरे जाँच की बात थी, और फिर बीच में IT यानी इनकम टैक्स भी इसमें शामिल हो गई थी। तो एक्चुअल में क्या है इसके बारे में, सिर्फ ये है कि हम लोग मतलब पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते। सर, विक्रांत पटेल पूछ रहे हैं कि सर विसरा क्या होता है, उन्होंने कई अखबारों में ये चीज़ पढ़ी है लेकिन आज तक समझ नहीं पाए हैं। अच्छा, मैंने शायद पहले भी बताया विसरा के बारे में आपको। देखिए, जो पोस्टमार्टम होता है आमतौर पर किसी भी इंसान का जब मरता है, वो तो पोस्टमार्टम करने के सिर्फ जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी मौत की वजह क्या है, मौत की वजह को पोस्टमार्टम बताता है। दम घुटने से मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई, या कोई और आपका बॉडी का पार्ट फेल हो गया उसकी वजह से मौत हुई, बुखार से हुई, निमोनिया से हुई, मतलब मौत किस वजह से हुई, तो पोस्टमार्टम इसका इसके बारे में रोशनी डालता है। 1 नंबर 2, पोस्टमार्टम ये भी बता देता है कि सपोज जैसे इस मामले में, फिज़ा के मामले में, कि मौत कब हुई, मौत का टाइम डेट क्या था। उसमें थोड़ा सा कहते हैं कि 1, 2 या 3 घंटे का आप ऊपर नीचे मान लीजिए, बाकी एक्यूरेट होता है कि कब मौत हुई, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देता है। तो शुरुआत में तो ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देता है, लेकिन एक चीज़ आती है जो विसरा। विसरा एक्चुअली पेट की थैली को कहते हैं, जो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो जाके वहाँ पे समा जाती है। और विसरा आमतौर पर, विसरा की जाँच तभी की जाती है जब ये डाउट हो कि मौत की वजह पॉइजन है या जहर है। उस जहर या पॉइजन से अगर मौत हुई है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं बता सकता, वो सिर्फ और सिर्फ विसरा रिपोर्ट बता सकती है। और विसरा की फिर जांच की जा सकती की जाती है, जो पेट की थैली होती है उसको बाकायदा निकाला जाता है, फिर भेजा जाता है लैब में। लेकिन विसरा की रिपोर्ट थोड़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आप अभी पोस्टमार्टम करें और आपको फौरन प्रीलिमिनरी पता चल जाता है शुरुआती मौत की वजह क्या है, लेकिन विसरा के साथ ऐसा नहीं है। उसको जो टेक्निकल है, जो कई मेरी एक्सपर्ट से भी बात हुई थी पहले, हम लोगों ने एक शो निकालते थे राज करके फॉरेंसिक साइंस पे, उसको एक ख़ास केमिकल में डाला जाता है, उस केमिकल में रखा जाता है, उसकी एक मियाद होती है, इतने दिन तक रहेगी, फिर वो उसका कलर चेंज होता है और बाकी क्या क्या ऐसी चीज़ें और होती हैं।
तो फिर जाकर पता चलता है कि हाँ मौत की वजह पॉइजन है नहीं है, तो इसलिए विसरा की रिपोर्ट आने में वक्त लगती है। और इसीलिए फिजा की मौत 6 अगस्त को लाश मिली थी, लेकिन विसरा की रिपोर्ट डॉक्टरों ने सितंबर में दी थी, करीब 1 महीने के बाद। तो विसरा एक्चुअली जो है वो विसरा से ये पता चल लगाया जा सकता है कि मौत की वजह के पीछे जहर है या नहीं है, ये मेन चीज़ होती है। सर प्रसाद हैं वो बोल रहे हैं कि सर रिलीजन चेंज करके शादी करने का रीज़न समझ नहीं आया, दोनों हिंदू थे मुस्लिम तरीके से शादी क्यों की? प्रसाद जी इसमें शायद एक जो चीज़ें मेरी समझ में है वो ये है, क्योंकि एक धर्मेंद्र की भी अपने जो फिल्म स्टार हैं ही मैन, उनकी भी कहानी है। हाँ दोनों हिंदू थे, लेकिन चूँकि चंद्रमोहन की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं, तो हिंदू एक्ट मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर वो चंद्रमोहन बनकर करते और उनकी पत्नी अगर इसका विरोध करती तो ये लीगल होता, उनको जेल जाना पड़ता। और इसी चीज़ का फ़ायदा उस वक्त धर्मेंद्र ने भी उठाया था। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जो शादी हुई है वो कहते हैं कि निकाह मुस्लिम तरीके से हुई है, तो यहाँ पे इन दोनों ने इसलिए ये रास्ता चुना जिससे वो कानूनी लफड़े में ना फंसे, सिर्फ ये वजह थी। सर चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से, ये बोल रहे हैं कि सर क्या ये सच है कि अनुराधा बाली को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर चंद्रमोहन के पीछे लगाया था ताकि चंद्रमोहन सरकार के कामों में दखल ना दें? चंद्र प्रकाश जी नमस्कार, कुरुक्षेत्र से हैं आप, अच्छा लगा आपका नाम सुनकर। आप ही का राज्य है ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं। ये उस वक्त खबर आई थी लेकिन इसमें कोई सच्चाई पता नहीं चली। और दूसरा ये कि एक सियासी दावत थी, पॉलिटिकल दावत थी, जहाँ पहली बार चंद्रमोहन की मुलाकात अनुराधा बाली से हुई थी और वहाँ वो एक दूसरे से मिले थे और कहते हैं कि पहली नज़र में ही चंद्रमोहन को प्यार हो गया था, फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, फिर दोनों घंटों मिलते बात करते, उसके बाद अचानक गायब हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जानबूझ के ये फंसाया था, भेजा था, इसके बारे में मतलब उस वक्त र्यूमर तो था लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। सर पीरू जी बोल रहे हैं कि क्या चंद्रमोहन का कोई रिएक्शन आया था फिजा की डेथ के बाद? उस वक्त सभी की निगाहें ये थी कि चंद्रमोहन आएंगे नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन चंद्रमोहन मौत के बाद सामने नहीं आए थे और वो गए भी नहीं थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन एक बार बहुत काफ़ी बाद में उन्होंने फिजा की मौत पे बाकायदा अफसोस जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बड़ा दुख हुआ इस खबर को सुनकर। सर शम्सवी जी पूछ रही हैं कि फिजा और सुनंदा पुष्कर की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम नहीं लगती क्योंकि दोनों पॉलिटिशियन से शादी के, दोनों ने सेम एंड हुआ, पॉलिटिक्स बहुत बेकार चीज़ है। शम्सवी कैसे हो, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा, या तो इन लोगों ने नाम लिया तुम भेजती रहती होगी। खैर नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुनंदा पुष्कर और चांद फिजा की कहानी एक जैसी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह है। बेशक इसमें शशि थरूर भी पॉलिटिशियन है और उधर, लेकिन यहाँ पे ये था कि चांद मोहम्मद एक डिप्टी सीएम अचानक गायब हो जाता है और यही जो मिस्ट्री थी इसी ने इस स्टोरी को हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद फिर शादी होती है, दोनों धर्म बदलते हैं और उसके बाद मौत की अगर आप उसको लेके कहो कि कॉमन चीज़ें हैं तो हाँ, दोनों की मौत थोड़ी रहस्यमय हालत में हुई और वहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल, वहाँ पे भी ड्रग्स, यहाँ पे भी ड्रग्स की भी बात आई और पॉइजन की तो बात ही थी। लेकिन फिर भी दोनों की कहानी बहुत फ़र्क है, अलग अलग है, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन बाकी चीज़ें अलग हैं। सर अखिल दुबे जी बोल रहे हैं सर जिसके पास पैसा था, उसके चाचा के बयान के अनुसार वो खुश भी थी, तो ऐसी सिचुएशन में उसने आत्महत्या क्यों की? यही एक राज है, क्योंकि इसके बारे में अब फिजा है नहीं, सुसाइड नोट है नहीं। अब इसमें एक चीज़ उस वक्त भी सवाल उठा था और बल्कि हम लोगों ने भी उठाया था कि ये बड़ी बारीक सी चीज़ है। एक ये भी कहते हैं कि उस जिसका पुख्ता सबूत नहीं है कि फिजा ड्रग्स लिया करती थी, तो कहीं अल्कोहल और ड्रग्स का घालमेल या ओवरडोज उसकी मौत की वजह नहीं बनी? लेकिन फिर विसरा रिपोर्ट में सल्फास की बात आई तो सल्फास मौत की वजह बनी। लेकिन ये कि इस पर हम लोग कुछ फाइनल वो नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज केस कर दिया गया सुसाइड बताकर। सर अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर जी अभी वो कहाँ हैं और क्या वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं या नहीं? हरियाणा में है, अपने घर में है और पॉलिटिक्स में भी है, हालांकि इस वक्त वहाँ पे हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है बीजेपी की,
तो, और वो भजन लाल के बेटे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो उनके बड़े भाई हैं वो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, जो कुलदीप बिश्नोई है। सर रेहान जी बोल रहे हैं कि सर ये एक पॉलिटिशियन से जुड़ा मामला था, तो क्या इस मामले में ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने लीपापोती करके केस ख़त्म किया हो? देखिए, शक और सवाल कहीं भी उठाया जा सकता है, जहाँ पे मिस्ट्री हो, जहाँ पे ऐसी मौत हो, वहाँ पे आप आँख बंद करके नहीं रह सकते, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज करीब 7 साल हो गए, केस क्लोज हो चुका है, अब इस पर बातें करके हम सिर्फ लकीरी पीट सकते हैं, क्योंकि प्रूफ तो कोई है नहीं, या तो सुसाइड नोट होता है या कुछ और होता है या कुछ और चीज़ें होती। लेकिन जो सारी चीज़ें हैं, जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, वो सब यही बता रहे हैं कि जो पुलिस कह रही है वही सही है। तो सिर्फ शक और सवाल करते रहने का आपको, मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा तो है नहीं। सर उमेश नामदेव पूछ रहे हैं, चंद्र मोहन ने फिज़ा को 40 दिन के बाद क्यों छोड़ दिया? देखिए, क्यों छोड़ दिया 40 दिन बाद ये पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि जो कहानी आई थी वो ये कि फिज़ा चाहती थी कि उनका चांद हमेशा उन्हीं के साथ रहे, वो अपने घर वालों से दूर रहे, रिश्ता ना रखे, अपनी पहली बीवी से दूर रहे, बच्चों से दूर रहे, बाप माँ से दूर रहे, भाई से दूर रहे। जबकि चंद्रमोहन का ये कहना था कि वो फिज़ा के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ भी रहना चाहता है। और यहीं से इस लड़ाई की बुनियाद पड़ी और लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि किसी भी कीमत पे फिज़ा चांद को किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। और लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि चांद कभी किसी एक का तो हुआ नहीं है, चांद तो चांद है। और यहीं से लड़ाई शुरू हुई, और फिर चांद जो है वो, ये चंद्रमोहन अपने घर वालों को भी साथ लेकर चलना चाहता था, रहना चाहता था, और यही वजह कि दोनों के अलगाव की वजह हुई। सर एक सवाल है रिहान जी का दोबारा, वो बोल रहे हैं कि सर ऐसा भी इन्होंने कहीं सुना था कि उन्हें फिज़ा की कुछ ऐसी चीज़ पता चल गई थी चंद्रमोहन को, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, क्या ऐसी कुछ खबर आपको भी है? नहीं, वो सिर्फ रिश्तों की बात थी जिसकी वजह से दोनों में दरार पड़ा, बल्कि फिज़ा ने नहीं छोड़ा था, चंद्रमोहन ने ही छोड़ा, वो वापस अपने घर गए। बाद में लगातार फिज़ा जो है कोशिश करती रही चंद्रमोहन या अपने चांद को वापस लाने की, लेकिन वो लौटे नहीं, और लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहा। बाद में फिर खैर दोनों ने समझौता हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सर राजेश त्यागी जी बोल रहे हैं कि इंटरलीजन शादी करने की वजह से उनको कुर्सी से हटा दिया गया था, उन्होंने खुद छोड़ी थी? नहीं, जब ये लौट कर आए थे, इन्होंने शादी का ऐलान किया था, तो एक उस वक्त भजन लाल जो इनके पिता थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया था, डिप्टी सीएम, और वो इस खबर के बाद जब मीडिया में खबर आई उसी दिन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा था हमारे ख़ानदान में ऐसी कभी हुआ नहीं, और इसने हमारा नाम डुबो दिया। और उनके कहने पे फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मंत्रिमंडल से हटाया, डिप्टी सीएम से, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था बल्कि हटाया था, और उनको हटाया गया। और उसकी वजह एक ये भी थी कि ऑलरेडी एक घर में आपकी बीवी दो बच्चे थे, आप दूसरी शादी कर रहे हैं, धोखा देने के लिए आपने नाम बदल लिया, और नाम बदल कर आप इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते, तो वो इसलिए हटाया गया था। सर सनी एच के जी एच के वी पी एन बोल रहे हैं कि सर चांद वाली शायरी आज सुना दीजिए, क्योंकि आज चांद से ही रिलेटेड कहानी है। सर दीवार पर रखा है सर ने सर। अच्छा सनी भी, ये बड़ा जमाने के बाद आपका भी नाम सुना सनी साहब, कैसे हैं आप? चलिए, हाँ टाइम भी हो गया, लेकिन ये मैंने पहले सुनाया है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज आपने कहा तो मैं कल 2-4 और शेर लेकर आता हूँ उसी हिसाब से। ये एक्चुअली चांद नवाब पे, चांद मोहब्बत पे, मोहम्मद पे तो फिट नहीं बैठता, लेकिन वो है कि एक क्राइम रिपोर्टर के हाथ में अगर चांद जैसी खूबसूरत चीज़ लग जाए तो वो उसका भी बुरा अंजाम करता है, क्योंकि वो सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग ही सोचता है। तो उसी के ऊपर ये दो लाइन है कि आजकल घर से निकलते हुए डर लगता है, चांद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है। कल मुलाकात होगी आपसे 9:00 इसी दुआ के साथ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें हमेशा, और बस यूं ही क्राइम तक की कहानियाँ सुनते रहें, हमारी कमियाँ बताते रहें, तारीफ़ करते रहें, अपनी दुआएं देते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।